ये है दुनिया का सबसे ठंडा और ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन। यहां जिन ट्रूप्स की पोस्टिंग होती है उनके लिए बेसिक सर्वाइवल भी एक चैलेंज है। हवा 160 किलोमीटर पर आवर, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस। मेन सप्लाई रूट आसमान के जरिए ही है। हेलीकॉप्टर्स 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इंडियन एयरफोर्स जबरदस्त रिस्क उठाकर इन ट्रूप्स को जिंदा रखता है। दुनिया की इस छत पर जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में से एक। इंडिया के पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बाउंड बॉर्डर है जिसमें शामिल है हिमालय का इलाका। इतनी ऊंचाई पर किसी की देखरेख कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की अहम जिम्मेदारी निभाती है। और साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में तैनात ग्राउंड फोर्सेस तक सामान पहुंचाने की और उन्हें सही सलामत रखने की भी। लेकिन खतरनाक ऊंचाइयों पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन 74 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर हमारे भारत देश के उत्तर में मौजूद है। नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा यह दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन ग्लेशियर्स में से एक है। इसका सबसे निचला हिस्सा भी 11,000 फुट से ऊपर है और हाईएस्ट माउंट पोस्ट की ऊंचाई 22,000 फुट ऊपर है। सियाचिन एक बहुत अहम जगह पर है। ये ईस्ट में मौजूद चाइना और वेस्ट में मौजूद पाकिस्तान के बीच है और ये भारतीय सेना के कंट्रोल में है। यहां भारतीय सैनिक सियाचिन और आसपास की चोटियों पर 100 से ज्यादा पोजीशंस पर अपना कंट्रोल बनाए हैं। इस बर्फीले इलाके में सर्वाइवल लगातार चलने वाला एक इम्तिहान है और इसे और मुश्किल बनाता है बेहिसाब ठंड और बेरहम मौसम। बेहद ठंडी हवाओं की वजह से सर्दियों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पर मैं रह कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर टेम्परेचर -20 डिग्री है तो अगर हवा 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वो टेम्परेचर, वही जो -20 डिग्री टेम्परेचर है, वो विंड चिल फैक्टर की वजह से -70, -50 तक भी चला जाता था। ऊंचाई पर जिंदगी जीना ह्यूमन बॉडी और स्पिरिट दोनों के लिए बेहद मुश्किल है। सियाचिन में सैनिकों के सामने जबरदस्त डिप्रेशन, भूख की कमी, स्लीप डिसऑर्डर्स, यहां तक कि मेमोरी लॉस के रिस्क होते हैं। सड़कें बस यहीं तक हैं। ग्लेशियर पर मौजूद कई गैरिसंस के लिए इकलौती लाइफलाइन फ्लाइट होती है। इंडियन एयरफोर्स का एक कॉम्प्लेक्स एयरबॉर्न लॉजिस्टिकल सिस्टम लगातार जरूरत की हर चीज को यहां पहुंचाता है। जैसे केरोसिन, हीटिंग और कुकिंग के लिए खाना, पानी और एम्यूनेशन। सियाचिन सप्लाई लाइन के पहले लेग को संभालते हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। ये पहाड़ी स्टेट्स में बने कई बेसिस में लैंड करते रहते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर क्रूज को ग्लेशियर तक सामान पहुंचाना होता है। क्रूज बर्फीली नदियों पर बने हेलीपैड्स पर डिपेंडेंट है। सियाचिन में एयर मेंटेनेंस एक जबरदस्त लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है।
और इसके लिए जरूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट और सैनिकों की, जो कि इस जानलेवा इलाके में हजारों किलोमीटर पे एक्टिव रहते हैं। लद्दाख, ऊंचाई 10,682 फीट। इंडियन एयरफोर्स के लिए सियाचिन का गेटवे है लद्दाख। यह इलाका ऊंचाई वाला एक ठंडा रेगिस्तान है, बेरहम, खूबसूरत और ज्यादातर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाला। एक इंपॉर्टेंट माउंटेन बेस यहां लेह में मौजूद है, एक वैली में जो कराकोरम और लद्दाख रेंजेस से घिरी हुई है। लेह एयरफोर्स बेस, लद्दाख 10,682 फीट। सियाचिन पर हाई ऑल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस के सिलसिले में लेह एयरफोर्स बेस एक बहुत ही क्रूशल एयरबेस है। सिर्फ ग्लेशियर कैप्टन ही सियाचिन तक की फ्लाई कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेशन को हासिल करना बहुत मुश्किल है। स्क्वाड्रन लीडर खुशबू गुप्ता एक ऐसी पायलट है जिन्हें इस बहुत ही खास स्टेज से नवाजा गया है। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करना बहुत चैलेंजिंग है। मुश्किलें तब बढ़नी शुरू नहीं होती जब मैं कॉकपिट में बैठती हूँ और फ्लाई करती हूँ। इनकी शुरुआत तो सुबह ब्लैंकेट से निकलने पर ही हो जाया करती है, जब मेरा अलार्म बजता है 4 या 4:30 बजे। खुशबू सियाचिन पायनियर्स के साथ काम करती है। इस हेलीकॉप्टर यूनिट का काम है ग्लेशियर की सबसे मुश्किल पोस्ट तक सपोर्ट पहुंचाना। इन्हें जबरदस्त ठंड के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। इन्हें और इनके कॉमरेड्स को फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए बैटरी हीटेड बूट्स पहनने पड़ते हैं। बेहिसाब ठंड के अलावा यहां एक और रिस्क होता है, जो होता है सन बर्न का। सियाचिन पाइनियर्स को अक्सर इमरजेंसीज का सामना करते रहना पड़ सकता है। इनके पास मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एक कॉल आई है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि सियाचिन पाइनियर्स की हर फ्लाइट रिस्की होती है। सियाचिन पाइनियर्स चीताज और इसके अपग्रेडेड वर्जन चीतल्स को उड़ाते हैं। 2 टन वजन वाली इन मशीन्स के सिंगल इंजन्स इन्हें 23,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश